अमदावाद इंटरनेशनल स्कूल सामे फरियाद नो एक मामलो सामे आव्यो। अमदावाद डीओए एआईएस ने सीधो आदेश करवानुं टाळ्युं छे। वधारानी एक्टिविटी ना नामे 1.70 लाख लीधानी फरियाद एफआरसी नी मंजूरी विना लेवाई छे वधारानी एक्टिविटी फी। डीओए वालीओनी फरियाद अंगे एफआरसी ने पत्र लख्यो छे। एआईएस एक्टिविटी ना नामे वधु फी लेवायानुं पण स्वीकार्युं छे। मंजूरी विना लीधेली फी परत करवाना आदेश थी डीईओ बच्चा एफआरसी ने पत्र लखी निर्णय लेवा जाण करी अने संतोष मानी लीधो। एआईएसटी जे फरियाद आवा आवी तेना आधारे अमे कारणदर्शक नोटिस आपी तपास समिति रची अने जे रिपोर्ट आव्यो तेना आधारे एवं तथ्य जोवा मळ्युं के ऑप्शनल राखवामां आवेलुं छे अने 600 जेटला वालीओना मोबाइल नंबर साथेनी एमनी मंजूरी मेळवेली होय तेवुं तेमना द्वारा जणाववामां आवेलुं छे। एटले एक बाबत ए बने छे। बीजू के एक्टिविटीजना नामे एमणे वधारे प्रमाणमां फी लीधी छे एटले फीनुं प्रमाण जे छे एक्टिविटीज प्रमाणे वधारे होवाथी अमे आ बाबते एफआरसीमां फी रेग्युलेशन कमिटीमां आ विषय मूकवाना छीए अने फी रेग्युलेशन कमिटी आना विषे आगळ निर्णय करशे। कारण के એક્ટિવિટીઝમાં જે છે એ હાઈકોર્ટે જજમેન્ટ આપેલું છે જેના આધારે અને શિક્ષણ વિભાગે પણ નોટિફિકેશન બહાર પાડેલું છે કે એક્ટિવિટીઝમાં જે છે એ એફઆરસીના ઉપરાંત ફી લઈ શકે છે, પરંતુ ફીનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી અમે આ બાબતે એફઆરસીનું માર્ગદર્શન લઈ એફઆરસીમાં આ બાબતે જાણકારી આપીશું અને અમારો રિપોર્ટ ત્યાં રજૂ કરીશું।